शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन सी विटामिन सहायता नहीं करता है, का कोई भी विटामिन किस चीज़ में सहायता नहीं करता है। तो देखिए, जो पाचन क्रिया होती है इसमें विटामिन्स का कोई रोल नहीं होता है। अगर खास रूप से किसी भी विटामिन की आप बात कर लें, जैसे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए का काम क्या होता है, तो ये आपकी आंखों को फिट रखता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन बी या फिर B1, तो इससे क्या होता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो ये रिकेट्स हो जाएगा। इसके साथ साथ इनके सोर्स भी पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए के लिए गाजर है, इस तरह सी का कई बार पूछा गया है। तो इसके लिए जो खट्टे फल आते हैं, विटामिन डी के लिए आपको सूर्य की रोशनी मिल जाती है। तो विटामिन का आपके पाचन क्रिया से कोई मतलब नहीं है। विटामिन आपके शरीर के अलग अलग अंगों को फिट रखता है अलग अलग चीज़ों से। अगला है कि दूषित जल जनित रोग नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि दूषित जल के कारण होते हैं। तो इसमें से जो फ्लोरा इसिस है, ये दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। अगला है कि अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये करता है चिंपैंजी। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन वाइज था, लेकिन हम वन लाइनर के रूप में कवर कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन वाइज एक टेस्ट के रूप में, तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोड है। देखिए, अगर बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि को जो हम मापते हैं, ये मापते हैं डेसीबल में, जिसको हम डीबी बोलते हैं। तो होता क्या है कि नॉर्मली अगर 30 से 40 dB तक की ध्वनि होगी, तो एक व्यक्ति के लिए एक मतलब कि नॉर्मल ध्वनि है। अगर ये जो ध्वनि का स्तर है 50 से 60 हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि एक सोया हुआ व्यक्ति जग जाएगा। अगर ये 80 से 90 हो जाए, तो समझिए कि सूर हो गया है। और अगर ये 180 से ऊपर चली जाती है, तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। अगला है कि मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है किस दर्पण से। आपने देखा होगा, लगभग हर गाड़ी में, हर वैन में होता है, ड्राइवर के पास एक शीशा लगा होता है जिसे वो पीछे देखता है। तो ये होता है हमेशा और हमेशा उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। उत्तल दर्पण का मतलब क्या, नॉर्मली भाषा में इस तरह होता है, और इसमें हम जो समांतर किरणें आती हैं, ये फोकस पे जाके मिल जाती हैं। ठीक, ये है उत्तल लेंस। अगर बात कर लें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में जो समांतर किरणें आती हैं, ये इनको विस्तार कर देता है। तो ये एक जगह नहीं मिलती है, ये इनको और फैला देता है। अगला है कि गन पाउडर मिश्रण होता है, मतलब कि जो गन पाउडर होता है, ये मतलब जिसको हम बारूद बोलते हैं, ये किस किस चीज़ का मिश्रण होता है। तो इसमें होता है सल्फर, चारकोल और सोरा। अगला है कि वायुयान के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो जहाज़ हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, उनके जो टायर होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है, कई बार ये पूछा गया है। तो ये होता है हीलियम। आखिर हीलियम ही क्यों, क्योंकि ये हल्की होती है। तो हाइड्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो हल्का होता है। तो हाइड्रोजन इसलिए नहीं क्योंकि इसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा घर्षण होगा, वहाँ पे आग लग सकती है, इसलिए हम हाइड्रोजन ना भर करके हीलियम भरते हैं। अगला है कि मानव शरीर के भीतर खून किस अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक, तो ये होता है फाइब्रोजीन। फाइब्रोजीन होता है, इसके कारण ये खून नहीं जमता है। तो मानव शरीर के भीतर खून फाइब्रोजीन की अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, ये यहाँ पे दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पढ़ना है। दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का से हम दर्पण को बनाते हैं। दर्पण और लेंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर आपको लेंस बनाना है तो इस तरह बना लेंगे, लेकिन दर्पण में आपको इस तरह यहाँ पे एक टाइप कलाई की जाती है। अगला है कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, जिससे कि हम सिगरेट जलाते हैं या फिर कुछ भी जला सकते हैं, तो ये होती है ब्यूटेन। कई बार पूछा गया है LPG का फुल फॉर्म, तो ये होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और इसके साथ होता है प्रोपेन। इसके साथ एक गैस और भी होती है जिसको हम बोलते हैं मरकैप्टन। ये बस इसलिए मिलाई जाती है, ये थोड़ी मात्रा में होती है, इसका कोई
और काम नहीं है, बस इसका एक ही काम है कि जब गैस लीकेज हो तो आपको इसका गंध मिल जाए, इसलिए इसको मिलाया जाता है। तो चलिए ये था एलपीजी। आप कमेंट करके बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म, सीएनजी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे। हिंदी में बता दें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका हिंदी है तो आपको इंग्लिश में बताना होगा फुल फॉर्म, तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि निर्जलीकरण में निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न होती है। तो जब हम किसी का निर्जलीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। सीएनजी से क्या मतलब है, देखिए अभी हमने आपसे पूछा और यहाँ पे दिया गया है, यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसका प्रयोग होता है वाहनों में। अगला है कि वायान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है। जो वायान होता है उसको हम मापते हैं टेकोमीटर में, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो उसका जो गति मापा जाता है वो मापा जाता है टेकोमीटर में। आगे बढ़े तो अगला है कि ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर आप ध्वनि के बारे में पढ़ाई करते हैं तो इसको कहते हैं एकास्टिक्स। एकास्टिक बोलते हैं जैसे कि जीवों के बारे में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी हो गया, रसायन के बारे में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री हो गया, उसी तरह ध्वनि के अध्ययन को एकास्टिक बोला जाता है। अगला है कोई किरण वायु में, वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इसके अगर जल को और वायु को ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों बना दें, यहाँ पे वायु है और नीचे जल है, ठीक, तो ये एक सघन माध्यम होगा और यह एक विरल माध्यम होगा। ये आपने जो लेंस वाला चैप्टर है, लाइट वाला, आपने उसमें पढ़ा होगा इस तरह का कि जब भी कोई किरण आती है तो वो अभिलंब से दूर जाएगी या फिर अभिलंब के पास सटेगी। तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा विरल है और कौन सा सघन है। तो यहाँ पूछा गया है कि जब कोई किरण वायु से जल में आती है, मतलब कि सघन विरल से सघन में आ रही है, तो क्या होगा, उसका तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। अगला है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं वोल्टेज चेंज करने के लिए। ट्रांसफार्मर में जो कुंडली लगी होती है, कई बार पूछा गया है कि ये किसका बनी होती है। तो अगर आपको यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर बना के दिखाएं तो आपने देखा होगा इसमें इस तरह कुंडली टाइप का लगा होता है, कई ठे ये बना होता है नर्म लोहे का, बहुत बार ये पूछा गया है, नर्म लोहे का ये बना होता है और इसका काम ये होता है कि विद्युत चुंबक बनाना, विद्युत चुंबक बनाना, तो ये होता है नर्म लोहे का। अगला है कि दूध में पीलापन का कारण क्या है। तो जो दूध में हमको पीलापन दिखने को मिलता है ये होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर लाल क्यों होता है, कोई भी सब्जी हरी क्यों होती है, दूध में पीलापन क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं। अगला है कि बादलों की दिशा और गति को अगर हम नापना चाहते हैं तो किस यंत्र से नापेंगे। तो ये होता है नेफोस्कोप, नेफोस्कोप से हम मापते हैं बादलों की गति और दिशा। अगला है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यह है यकृत। बात की जा रही है ग्रंथि की, तो ग्रंथि है यकृत। अगला है कि बेसमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है। तो बेसमर प्रक्रिया का उपयोग हम करते हैं इस्पात में। आगे बढ़े तो अगला है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है। तो जो स्टोरेज बैटरी होती है उसमें प्रयोग में लाया जाता है जस्ता। अगला है कि मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है। तो अगर देखिए बात करें मानव शरीर के पाचन के बारे में, तो इसमें दो आंतें पाई जाती हैं, एक होती है बड़ी आंत, एक होती है छोटी आंत। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि जिस आंत को हम बड़ी आंत या फिर छोटी आंत कह रहे हैं, भले ही पाचन का सारा काम छोटी आंत में हो रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि जो छोटी आंत है छोटी है, जो बड़ी आंत है वो बड़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे हम बड़ी आंत को लिख दें तो जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई केवल और केवल 1.5 मीटर, यानी कि लगभग 5 फुट के बराबर होती है, ठीक, एक एन एवरेज बता रहे हैं आपको। और अगर बात कर लें छोटी आंत की, तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 22 फुट, 22 फुट के बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटी आंत है ये बहुत बड़ी है बड़ी आंत से, लेकिन बस इनका नाम में ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगला है कि हीरा का रासायनिक गुण क्या होता है। तो हीरा बहुरंगी होता है, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
देखिए आपको मतलब ये नहीं समझना है कि इसमें ज़्यादा एडवांस बताया जा रहा है, सब कुछ वही बता रहे हैं जो कि आपके कई बार कब से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा है वो चमकता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? तो जल में दो तरह की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी, एक होती है अस्थायी। तो जो अस्थायी कठोरता होती है नॉर्मली उसे हम गर्म करके भी हटा सकते हैं, लेकिन जो अस्थायी कठोरता होती है वो इतनी आसानी से नहीं हटती है, तो उसे हटाने के लिए हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का यूज करना पड़ता है। अगला है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए आता है? तो ये होता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में डीएनए आता है। अगला है कि ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है किससे? तो ओजोन परत को हम O3 बोलते हैं, और ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं धरती पे, उनसे पूरे मनुष्य ही नहीं पूरे धरती पे सभी जीव जंतु पौधों सबकी रक्षा करता है। और अगर ये किरणें धरती पे आ जाती हैं तो आपको कई तरह के चर्म रोग दे सकती हैं। इसकी जो मोटाई होती है वो ओजोन परत की, इसको हम मापते हैं डाप्सन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एक दो बार कि इसकी मोटाई होती है, तो जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ पे ये पतली हो जाती है, कहीं कहीं तो इसके हटने तक की नौबत आ गई है, लेकिन जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है वहाँ पे इसकी मोटाई ज़्यादा है। इसकी मोटाई को हम मापते हैं डाप्सन में। अगला है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या होता है? तो ये होता है आयरन। अगला है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? जो मानव शरीर में हम भोजन लेते हैं इसके पाचन में सबसे बड़ा रोल होता है लाइपेज का, ये स्रावित होता है अमाशय से। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है कहाँ पे, किस सब्जी में? तो ये होता है पालक। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो मशरूम में या फिर सोयाबीन में, ठीक, इन दो चीज़ों में ये पाया जाता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो यह है MgOH। अगला है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो यह है विटामिन ए। देखिए विटामिन बी और सी ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बी और सी यानी कि अगर आपके शरीर में बी और सी की मात्रा बढ़ती है किसी भी कारण से, जैसे कि अगर आप ज़्यादा खट्टे फलों को खा रहे हैं तो सी बढ़ जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा कि आपके पेशाब के माध्यम से जो एक्स्ट्रा है ये आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर बी और सी के अलावा ए डी या फिर ई अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आपकी यकृत में संचित होने लगता है, और अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो आपको नुकसान करेगा ही। अगला है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट उन सभी पौधों को कहते हैं जो मिट्टी के बिना उगते हैं। जैसे कि आप ऑफिसों में देखे होंगे दीवार पे कुछ पौधे लटकाए गए होते हैं गमले में, उनमें केवल जल होता है और उसमें पौधा हरा भरा है, ठीक, इनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। अगला है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है एसिटिलीन। और कैल्शियम कार्बाइड का यूज हम कहाँ करते हैं? तो फलों को पकाने में, फलों को पकाने में। एक चीज़ का ध्यान रखिए, फलों को पकाने में दो चीज़ों का यूज कर सकते हैं, या तो आप कैल्शियम कार्बाइड यूज करिए या फिर एसिटिलीन यूज करिए। तो आपको ध्यान रखना है दोनों में से जो ही ऑप्शन आपको मिलेगा आपको वही ट्रिक करना होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। अगला है कि सेल्सियस वस्तुओं की एटीट्यूड मापने वाला यंत्र है, तो ये होता है अल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें जो मेन कुंडली होती है किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। नाइक्रोम की ही क्यों? क्योंकि देखिए नाइक्रोम एक ऐसा तत्व है, धातु है, कि जो अधिकतम ऊर्जा को सह सकता है बिना टूटे हुए, और इससे हीट भी निकलती है। जूल सेकेंड किसकी इकाई है? तो यह है कोणीय संवेग की। मिठाइयों में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो यह सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बर्फ होता है खाने वाला बर्फ, उसमें जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो उसमें जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो जो बर्फ है जल्दी से ना पिघले। अगला है कि वात्य भट्टी का प्रयोग क्यों होता है? तो वात्य भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। तो आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। किसे मार्स गैस कहते हैं? यह है अगला क्वेश्चन। तो मार्स गैस कहते हैं मेथेन को, इसको हम बोलते हैं CH4, ठीक, इस तरह इसका रासायनिक संरचना होती है, हर जगह H H।
CH4 कहते हैं। और ये जो बायोगैस की बात करते हैं वहाँ पर भी इसकी मात्रा अधिकता होती है। एथिल एल्कोहल एक समायवी है किसका, तो ये होता है डाई मेथिल ईथर का। सोडा यानी कि खाना बनाने में प्रयुक्त जो सोडा होता है इसका क्या सूत्र है, तो इसको हम कहते हैं NaHCO3। देखिए सही लिखा गया है, होता है NaHCO3। तो अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। तो उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है मानसिक तनाव। और देखिए ब्लड प्रेशर होता है इसका एक रेंज है। अगर आपसे पूछ ले कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ये कितना तक होता है, ये होता है 120/80। और कभी कभी इसका यूनिट भी पूछा गया है, तो MMHg। ठीक, ये होता है एन एवरेज आपका ब्लड प्रेशर। तो इतना से अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो समझिए कि खतरे की घंटी है। अगला है कि अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अनाच्छादन क्या होता है। तो अनाच्छादन का मतलब ये होता है, अगर परिभाषा में बताएं तो, भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली कोई भी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानों का कटाव होता है तो उसे हम कहते हैं अनाच्छादन। तो अनाच्छादन की प्रक्रिया वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे रात में लो टेम्परेचर होता है। अगला है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्यों, क्योंकि वो पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है। जो मनुष्य होता है ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन पाता है, 20,000। लेकिन 20,000 से जो अधिक ध्वनियाँ होती हैं इससे अधिक हर्ट्ज की, उनको हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक, इन पराश्रव्य ध्वनि को चमगादड़ सुन लेता है, और लेकिन हम लोग केवल इस 20 से 20,000 को सुन पाते हैं जिसको हम बोलते हैं श्रव्य। अगला है कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका जलीय विलयन होता है अम्लीय। देखिए अम्लीय जो जलीय विलयन होगा हमेशा एच आयन देगा, जो क्षारीय विलयन होगा हमेशा ओ एच आयन देता है। आपको ये डिफाइन करना होता है पीएच स्केल पे। इस तरह पीएच स्केल होती है, अगर ये 7 से 0 के बीच में है तो अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच में है तो ये क्षार कहा जाता है। अगला है कि भारी जल का आण्विक सूत्र क्या है। तो भारी जल का आण्विक सूत्र होता है D2O। D2O बोलते हैं क्योंकि जो जल होता है उसमें अगर हम हाइड्रोजन को 3 समस्थानिकों में बांट दें तो ये इस तरह होता है, इसमें D2O ये वाला होता है जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। अगला है कि आक्सीकरण है क्षति। आक्सीकरण कहने का क्या मतलब है, तो इसमें होती है इलेक्ट्रॉनों की क्षति। अगला है कि रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें, तो अगर रबड़ को आसानी से घोलना है तो इसे हम घोलेंगे बेंजीन में। अगला है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो यह है N2। N2 एक ऐसी गैस है नाइट्रोजन जो कि जल में घुलनशील नहीं है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने